आपने कई बार सोचा होगा कि एक सर्वर पीसी और एक डेस्कटॉप पीसी में आखिर क्या क्या अंतर होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर एक सर्वर पीसी क्या होता है और एक जो डेस्कटॉप पीसी होता है उसमें आखिर अंतर क्या है, तो ये वीडियो देखते रहिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर हम बात करें एक डेस्कटॉप पीसी की और एक सर्वर पीसी, देखिए जो डेस्कटॉप पीसी होता है वो होता है आप जो अपने घर पर अपने जो कंप्यूटर काम में लेते हैं उसे कहते हैं डेस्कटॉप पीसी। चाहे अगर बात करें आपके पीसी चाहे लैपटॉप हो या फिर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, वो एक पीसी होता है जो आप अपने घर पर काम में लेते हैं, उसे आप डेस्कटॉप पीसी भी बोल सकते हैं। अगर बात करें सर्वर पीसी की, तो सर्वर पीसी मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जहां पर आप जितना भी इंटरनेट चाहते हैं उसका सारा डेटा वहां पर सेव होता है। जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं ये गूगल के किसी सर्वर में स्टोर है, जहां से ये वीडियो आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको वहां से फिच करके ये आपको प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये हो गया एक सर्वर पीसी जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल बात करें सर्वर पीसी का मेन काम होता है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना। चाहे आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं तो गेमिंग सर्वर हो गया, अगर ईमेल सर्वर हो सकते हैं या फिर कोई और फाइल ट्रांसफर सर्वर हो सकते हैं। सर्वर कई तरह के होते हैं, तो हम बात करने वाले हैं कि एक सर्वर और एक कंप्यूटर पीसी में आखिर अंतर क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की, यानी कि उसकी सीपीयू की। तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल पीसी की, तो उसके अंदर नॉर्मल लगा होता है ड्यूल कोर प्रोसेसर, इंटेल कोर i5 i7 या फिर i3। अगर और ऊपर जाते हैं तो आपको उसमें i9 प्रोसेसर मिल जाता है, या फिर आप डेस्कटॉप पीसी में जो चीज़ का सीपीयू भी लगा सकते हैं। मगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंप्यूटर एक सीपीयू ही लगाते होंगे, पर जो सर्वर पीसी होता है उसके अंदर कई सारे सीपीयू लगे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल सर्वर पीसी की बात करें जो आपको सिर्फ ईमेल सर्विस के लिए काम में दिया जाता है, तो उसके अंदर कम से कम उस सर्वर के अंदर आपको 50 से 60 सीपीयू या उससे भी ज़्यादा रेंज में सीपीयू मिल जाएंगे, जो सीपीयू होते हैं जियोन सीरीज के, क्योंकि सर्वर को काफ़ी पावरफुल होना पड़ता है ताकि वो इतने सारे डेटा को हैंडल कर सकें। और कई तरह के सर्वर काम भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल फोटोज में कोई फोटो खींचते हैं, जैसे ही वो फोटो गूगल फोटो में जाती है यानी आप उस फोटो को गूगल फोटोज में अपलोड करते हैं, तो गूगल के जितने भी सर्वर हैं वो उस फोटो को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसमें कलर चेंज करते हैं, उसको और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। अगर हम बात करें ऐसे गूगल लेंस की, तो देखिए जो गूगल लेंस है वो भी ठीक सर्वर की तरह काम करता है। आप सोचते होंगे कि जो आपको फोन का प्रोसेसर है वो गूगल लेंस के अंदर काम करता है, मगर जो आपका फोन का प्रोसेसर है वो गूगल लेंस के में फोटो को एक्सेस नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने गूगल लेंस में अपने फोन के प्रोसेसर को काम में लिया, तो मैं आपको बता दूं जो आपका फोन है वो उस डेटा को हैंडल ही नहीं कर पाएगा, इसलिए उस डेटा को एनालाइज करने के लिए गूगल के सर्वर से काम में लिया जाता है, इसलिए सर्वर को इतने पावरफुल बनाया जाता है। अगली बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की, यानी कि उसके अंदर स्टोरेज की, यानी जो आपका सर्वर पीसी है उसके अंदर आपको कई सारे टेराबाइट की या पेराबाइट की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, पर जो आपको डेस्कटॉप पीसी है उसके अंदर आप नॉर्मल होगी 500 GB या फिर 1 TB 2 TB, उसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लगा ली होगी SSD या फिर M.2 हार्ड डिस्क। मगर जो सर्वर पीसी होते हैं उसके अंदर उनकी हार्ड डिस्क होती है कई पेराबाइट्स में। जैसे कि मान लीजिए अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करना है तो उसके लिए उसके अंदर हार्ड डिस्क लगाई जाती है, SSD लगाई जाती है, जो हो सकती है M.2 या फिर कोई और ज़्यादा फास्ट हार्ड डिस्क हो सकती है जिसके अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। अगर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आप उसके अंदर नॉर्मल SSD लगा लेंगे, या फिर अगर आपका बजट कम है तो आप उसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे। पर जो सर्वर पीसी उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने किसी नॉर्मल हार्ड डिस्क के अंदर जिसकी RPM है 7000-200 RPM उसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं सर्वर पीसी में, तो वो डेटा काफ़ी धीरे लोड होगा, इससे आपके जो एनालाइज है जितनी भी चीज़ करनी है। मान लीजिए आप मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं तो आपने यहाँ पर शूट किया, वो कई काफ़ी देर बाद एनालाइज होगा, वो आपका जो गेम का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए उसके अंदर SSD काम में ली जाती है। अगर हम बात करें रैम की, देखिए जो सर्वर पीसी होते हैं उसके अंदर काम में ली जाती है काफ़ी ज़्यादा टेराबाइट्स में रैम। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा रैम की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूँ सर्वर होते हैं वे पूरी इंडिया में, या फिर अगर इंडिया का अलग सर्वर है तो इंडिया में काम लिया जाता है, पूरे वर्ल्ड का सर्वर होता है तो उसे पूरी दुनिया में काम में लिया जाता है, इसलिए उसके अंदर इतनी हार्ड डिस्क या फिर इतनी रैम की होनी जरूरी है। अगर हम बात करें रैम की टाइप की, तो आप अपने कंप्यूटर में नॉर्मल काम में ले दोगे DDR4 DDR3 या फिर और अगर बजट कम है तो आप DDR2 भी काम ले दोगे, पर जो सर्वर है वो उसके अंदर काम में ली जाती है ECC रैम। ECC रैम होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आपका कोई डेटा वो करप्ट हो जाता है तो ये जो रैम है उसे वो फिर से एनालाइज करके उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। यानी जो डेटा है मान लीजिए आपने PC में देखते होंगे जितनी भी पुरानी फोटो आपने स्टोर की हुई है वो काफ़ी बीच में ख़राब हो गई या फिर उनके अंदर कहीं पर कोई लाइन सी आ गई तो ये फोटो खराब होती है, मगर जो ECC रैम अगर आप अपने PC में बनाते हैं तो आपको अपनी पुरानी जो बैकअप की हुई फोटो उसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगी।
और अगर हम बात करें इनकी नेटवर्क की, यानी कि जो सर्वर पीसी होता है और यहाँ पर डेस्कटॉप पीसी, इसमें नेटवर्क के बारे में, देखिए जो सर्वर पीसी होता है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी बैंडविड्थ भी काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए एक सर्वर पीसी है उसे एक्सेस कर रहे हैं 100 लोग और उसकी स्पीड है अगर मान लीजिए 1 Gbps, तो 100 लोग उसको आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास स्पीड बचेगी बहुत कम, इसलिए जो उसकी बैंडविड्थ होती है यानी कि उसके अंदर जितनी भी हार्ड डिस्क लगाई जाती है उन्हें इस पैटर्न में लगाई जाती है कि मान लीजिए आपने कोई डेटा स्टोर किया, अब आप सोच रहे होंगे कि जो सर्वर पीसी में काम मिल जाती है उनमें हार्ड डिस्क की स्पीड भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 Gbps की होगी, मगर वो स्पीड देते हैं 1 TB की स्पीड में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए मान लीजिए आपने एक हार्ड डिस्क लगाई, यानी आपने 10 हार्ड डिस्क लगाई, आपने 10 हार्ड डिस्क में 1 MB की फाइल स्टोर की, मान लीजिए आपने कोई आपको 10 हार्ड डिस्क में 10 MB की फाइल स्टोर करनी है, तो आपने उस 10 MB की फाइल को तो 1 MB उसमें स्टोर किया, अब आप जैसे ही उस डेटा को बाहर निकालते हैं तो आपने सारे हार्ड डिस्क 1 MB निकाला, यानी उन हार्ड डिस्क को 1 Gbps की स्पीड देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो 1 MB की स्पीड में काम कर गई और आपको जो फाइल मिली वो आपको सेकेंडों में 1 सेकेंड में मिल गई, क्योंकि मान लीजिए हार्ड डिस्क की स्पीड है 1 MBPS और आपने उसके अंदर 1 MBPS की फाइल स्टोर कर दी, आपको 10 MB फाइल स्टोर करनी है, आपने 10 हार्ड डिस्क में 1 MB फाइल स्टोर कर दी, जो आप डेटा एक्सेस करते हैं तो आपने सारा डेटा 1 MBPS की स्पीड में एक्सेस किया और आपका डेटा कंबाइन हो गया और वो बन गया एक 1 MBPS की स्पीड का फाइल ट्रांसफर सर्वर, यानी कि आपने 10 MB की फाइल सिर्फ 1 सेकंड में एक्सेस कर ली। ठीक यही पैटर्न सर्वर्स में काम में लिया जाता है, उसके अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क स्पीड कम होती है, मगर डेटा वो इस तरह से एनालाइज या फिर मैनेज किया जाता है कि जब उसे डेटा निकाला जाता है तो उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, इसीलिए आप देखते होंगे कि आपको बताया जाता है कि आपके शहर से जो फाइबर केबल आई है उसकी स्पीड इतनी है क्योंकि इसमें उसी डेटा एक्सेस को काम में लिया जाता है कि उसकी स्पीड डेटा वो इतने हिसाब से बांटे तो उसमें इतने डेटा जाएगा तो इतनी स्पीड मिलेगी, इसलिए उस स्पीड को इसी तरह से मैनेज किया जाता है। अगर हम बात करें डेस्कटॉप पीसी की, तो आपके डेस्कटॉप पीसी में ज्यादा से ज्यादा आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड होगी या फिर नेटवर्क की स्पीड, आपने अगर गीगाबिट लैन पोर्ट आपके मतलब हो रहे तो आपकी स्पीड मिल जाएगी आपकी लैन पोर्ट की 1 Gbps, मगर जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर लगाई जाती है फाइबर की, जो उनकी स्पीड कई टेराबाइट्स पर सेकंड में होती है। यही डिफरेंस है एक सर्वर पीसी और एक कंप्यूटर पीसी में। तो आखिर हम बात करें सर्वर पीसी का काम क्या है और एक डेस्कटॉप पीसी का काम क्या है। आप एक डेस्कटॉप पीसी में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या फिर अपना कोई और जरूरी काम कर सकते हैं, जैसे फिल्म देख सकते हैं, आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, मगर जो सर्वर पीसी है वो सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए गेमिंग सर्वर है तो वो सिर्फ गेमिंग खेलने के लिए बनाया जाता है, ईमेल सर्वर है, फाइल ट्रांसफर सर्वर है या फिर कोई और सर्वर है तो वो सिर्फ उसी काम के लिए बनाया जाता है। और अगर बात करें इन सर्वर्स की हम यूजर्स की, यानी कि एक सर्वर में कितने यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, देखिए जो सर्वर होता है उसकी यूजर की कोई लिमिट नहीं होती, उसमें आप जितने उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसमें यूजर्स आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई ईमेल सर्वर है तो वहाँ पर उसमें ज़्यादा लोड नहीं होता इसलिए उसमें ज़्यादा यूजर्स तक आ सकते हैं, मगर जो गेमिंग सर्वर है उसके अंदर लोड काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर कोई फुल HD गेमिंग कर रहा है, कोई HD गेमिंग कर रहा है या फिर वहाँ पर आपको एक्यूरेंसी भी ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ती है या फिर पिंग की भी वहाँ पर ज़रूरत होती है, इसलिए आपको जो गेमिंग सर्वर है वो आपको ज़्यादा महंगे मिलेंगे। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो आपका डेस्कटॉप पीसी है उसके अंदर आप इंस्टॉल करते हैं विंडोज, जो सर्वर पीसी उसके लिए भी आपको मिलते हैं विंडोज सर्वर, यानी कि जो विंडोज ने भी सर्वर पीसी के लिए ये सर्वर्स विंडोज लॉन्च किए हैं जिसे आप विंडोज में जो आप सर्वर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक सर्वर कंप्यूटर में आखिर अंतर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव या कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।